अच्छा देखो ऐसा है कि मुझे मेरी वीडियो आ गई, मुझे आई थिंक मेरा ऑडियो भी सही आ रहा है। ठीक है यार, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बच्चों, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो क्या हो रहा है। पता है आजकल क्या होता है ना, जब से इट्स बीन अ वीक नाउ दैट आई डोंट नो वाई देयर सम जलन जलन सी गोइंग ऑन इन माई कंधा। लोगों के दिल में जलन होती है बेटा, मेरे शोल्डर्स में जलन हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओके हेलो एवरीबॉडी, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, कैसन हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। बच्चों मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल रही हूँ बिकॉज मेरा गला बच्चों बोले तो बहुत सटीक तरीके से फट चुका है अभी, है ना। तुम लोग देख के भाग जाओगे, तो इसीलिए मतलब सुन के भाग जाओगे, इसीलिए मैंने अभी कुछ वो नहीं किया। ठीक है ये लो जी, स्टार्ट करते हैं सेशन। आ जाइए फटाफट से सब लोग। हाँ ये ठीक है, ये नोज वाली ठीक है। ठीक है बच्चों शुरू कर दें। हाय निमिता, गुड इवनिंग। जियोन जुंगकुक, हाय हेलो जियोन, कैसे हैं आप? हाय, आई यू अ नॉर्थ ईस्टर्न? आई एम गुड बेटा, आई एम ऑल गुड। हाउ आर यू? आई यू अ नॉर्थ ईस्टर्न? आई आई रियली लाइक दिस नेम, जियोन जुंगकुक। आई लाइक दिस नेम, दिस इज जस्ट अमेजिंग। वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द सेशन, दिस इज फॉर यू, दिस स्माइली इज फॉर यू। हेलो नीरज, ओके यू आर अ गर्ल, अरे वाह, तो आपका नाम और अच्छा है। आई होप यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी इंग्लिश एवरीबडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छे समय पे आप आ चुके हैं। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, शुरू कर दें। अच्छा ऐसा क्या? सॉरी यार मेरे को क्या थोड़ा आइडिया कम है इन चीज़ों का, ठीक है पोपट हो गई। हाय प्रियंका, ओके योर नेम इज प्रियंका। बेटा बड़े अद्भुत नाम रखे हैं तुमने प्रियंका, हैं? बड़े ही अद्भुत नाम रखे हैं आपने। इसी के साथ सुन लो बच्चों कि अगर आप चाहते हो बग्स बॉन्टी चिपकाना, ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इट्स ऑल अबाउट यू फ्लैगिंग और यू मतलब बेटा देखो गुस्सा नहीं निकालते इस पार्ट पे। क्या होता है ना कभी कभी अगर कोई कंटेंट इररेलेवेंट लगता है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, या बोलते ना ना ये तो ठीक नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। हाय अंशिका, गुड इवनिंग। रक्षा नमस्ते, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैम मुझे हाय नहीं, हाय राम अनु, आई एम सो सॉरी, मैं देखो हाय नहीं बोला, बाबा रे, हाउ कुड आई डू, हाउ कुड आई डू, हाउ कुड आई डू, गुस्सा मत हो ठीक है। हेलो जी बच्चों, दिस इज ऑलवेज अमेजिंग। अरे यार मेरा टेबल हिल गया, अरे यार मैंने अभी देखा, मैंने बहुत जोर से सर हिला दिया था अपना। अनु भाई बाल तो ठीक है ना मेरे? रुको पहले तो मैं देख लूँ जरा खुद को। भाई साहब एस्थेटिकली प्लीजिंग लगनी भी एक बात होती है, फाइन ना? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बग्स बॉन्टी की स्लाइड ज्यादा हो गई, पता चला तुमने चिपका डाला। ठीक है बच्चों शुरू कर दें, सबके एनसीईआरटी पास में हैं। थैंक यू नीरज, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही पढ़ते रहो अपन, ऐसे ही चिल मार के पढ़ाते रहेंगे बच्चों, है ना। थैंक यू, आई आई जस्ट रिफ्लेक्ट बैक योर एनर्जीज बच्चों। प्रियंका आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक योर एनर्जीज, यू आर सुपर डुपर ऑसम। अरे हाँ अंशिका, आज एनसीईआरटी है भाई, इस लड़की को सबसे ज्यादा टेंशन होती है बेटा। पता है एनसीईआरटी, इसको अंशिका का नाम आज से होगा एनसीईआरटी लवर, एनसीईआरटी लवर अंशिका, अंशिका ठीक है, ये लो एनसीईआरटी लवर हार्ट्स, ये लो बेटा ठीक है, शुरू कर दें। शुरू कर दें बेटा, चलो शुरू करते हैं। अच्छा जो लोग भी यहाँ पे नए हो, सर्वप्रथम बच्चों एक चीज जान लो कि फ्राइडे को आप लोगों ने टेलीग्राम पे देखा है नहीं देखा, आई डोंट नो, फ्राइडे 7 PM आई एम सेलिब्रेटिंग माई लर्नर्स, ओके लाइक ऑल ऑफ यू, ऑल पीपल हु आर हियर, ठीक है। हाँ जी, तो मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ द मिनियंस डे। इफ यू डोंट नो, आई डोंट नो वेदर यहाँ पे मैंने स्लाइड रखा है कि नहीं रखा। हाय राम, स्लाइड नहीं रखा यहाँ पे, हद हो गई भाई साहब, ऐसा कैसे हो गया बच्चों, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। फ्राइडे को, दैट इज टुमारो, टुमारो 7 PM वी आर सेलिब्रेटिंग द मेंटी, सॉरी द मिनियंस डे, ओके। सो दिस इज अ सेशन विच इज टोटली डेडिकेटेड टू यू गाइज, बच्चों अटेंड कर लेना। हाई इशू ठीक है, चलो बढ़े, अरे आगे बढ़ेगा बच्चों, आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अपन लोगों ने एम्फीबिया कंप्लीट कर लिया था क्या लास्ट सेशन में? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार, मैंने देखा भी नहीं, बोलो जरा। लास्ट में हम लोगों ने एनसीईआरटी में एम्फीबिया कंप्लीट किया था क्या?
थैंक यू, होना भी चाहिए एक्साइटेड. मैंने तुम लोग के लिए ना, पता है बच्चों, टाइटल्स भी डिसाइड किए हैं. स्पेशली वो मिनियंस जो रेगुलर होते हैं सेशंस में, उनके लिए हमने टाइटल्स भी डिसाइड किए हैं. हम एक एक सेशन रखेंगे आस्क मी एनीथिंग. सो सबसे पहला सेशन है वो हमारा आस्क मी एनीथिंग. तुमका जो पूछना है वो तुम पूछ सकते हो, ठीक है? लेकिन ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ, चलो. चलो, वेरी गुड बच्चों. आई शेयर द लिंक्स विद यू. आप लोग रिमाइंडर सेट कर लेना, 7 o'clock ओनली ऑन अनअकैडमी स्कॉलर्स. ओके बच्चों, सो कल मिलेंगे अपन लोग. अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हो. एक मेंटी क्विज होगा हमारा, अलग अलग इवेंट्स होंगे जिसमें हम लोग मजे करेंगे बहुत, है ना? सो कल इट विल बी फन 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 फन. ओके, अब ये बता दो मुझे फटाफट से भाई, शुरू भी तो करनी है क्लास. एम्फीबिया हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? अरे यार बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे. कोई बात नहीं प्रियंका, इट्स ओके. तो तुम जुड़ जाओ. तो बेटा अगली बार अपन ऐसे सेशन करेंगे तो तुम्हें भी हम कोई टाइटल दे देंगे, ठीक है? डोंट वरी. प्रियंका को हम टाइटल देंगे जियोन जुंग कुक. जियोन, मिस जियोन जुंग कुक, ठीक है? एक मेंटी भी है, उसमें बहुत सारी इवेंट्स है बच्चों, बहुत सारी इवेंट्स है. उसी के साथ साथ बच्चों वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है? अरे अरे भाई, पहले ये बता दो, एम्फीबिया हमने कर लिया था क्या फिनिश? जल्दी बोलो. बहुत सारे इवेंट्स रहेंगे कल, मैं सबकी आपको डिटेल, कौन सा कितने टाइम में रहेगा, मैं सब बताऊंगी, ठीक है? बस आ जाना, मजे मार लेना, थोड़ा हंस लेना बच्चों, है ना? अरे बोलो, एम्फीबिया कर लिया था क्या हमने या नहीं किया था? तुम लोग किसी काम के नहीं हो, छोड़ो, स्टार्ट करो. चलो बच्चों, एम्फीबिया हम लोग शुरू कर देते हैं. यू आर वेलकम बेटा. इट्स 7 PM, 7 PM से शुरू हो जाएगा. 7 PM, ओके? यस, टुमारो 7 PM, है ना? अच्छा, एक और चीज बच्चों, दिस इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो चीजें बताओगे, 11th के वो टॉपिक्स जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, एंड यू वांट अ रिपीट सेशन फॉर दैट, ठीक है ना? इतना कर सकते हो? नहीं बेटा, मेरा हैप्पी बर्थडे 11th फेब को है, 11th फेब अगले साल, ठीक है? तब तक तुम और बड़े हो जाओगे. यस बेटा, आई एम, बिल्कुल, आई एम टीचिंग अकॉर्डिंग टू नीट ओनली, ठीक है? अब बता दो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्या करने वाले हो सारे के सारे, कि डिस्क्रिप्शन नहीं, सॉरी, कमेंट सेक्शन, वहां पे आपको वो टॉपिक्स लिखने हैं जिनको आप चाहते हो कि मैम एक क्लास होनी चाहिए उसकी, ठीक है? तो मैं उसका सेशन कंडक्ट कर दूंगी. नीरज, एवरीबडी फाइन? नीरज, प्रियंका, अनु, है ना? सब लोग मुझे उन टॉपिक्स के नाम लिख देंगे अगर आप चाहते हो कि वो समझ में नहीं आया है अच्छे से और एक और सेशन हो. कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, कुछ भी है, मुझे आप सब लोग बता देना, ठीक है? चलो बढ़ते हैं बच्चों एम्फीबिया पे. एम्फीबिया, एम्फी यानी कि ड्यूअल. बच्चों बहुत दोगले किस्म के जो जानवर होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है? दोगले यानी कि जिनके दो मुंह है ना? एम्फीबियंस. यहाँ पे दो मुंह नहीं होते बेटा, इनके दो फॉर्म्स हो जाते हैं लाइफ के. बिल्कुल चिल करते हुए पढ़ना, दिमाग शांत रखते हुए, ठीक है? मार्क करते हुए चलेंगे सब लोग. हाँ नीरज, कितनी बार पूछेगा तू ये बता, कितनी बार बताऊँ? हाँ, 5 बार बता दिया. अब अगली 5 बार तुम्हारी स्पैमिंग आएगी, 5 बार के लिए मैंने आंसर पहले दे दिया, ठीक है नीरज? ठीक है, चलो. एज द नेम इंडिकेट्स, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इससे आपके नीट में और आपके टर्म वन में, भाई मार्क करते हुए चलना. पहली बात तो बच्चों, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, तभी तो ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ है ना. ये पहले ऐसे जीव थे जो कि पानी से निकल के बाहर कूद पड़े थे. क्या बच्चों? पानी से निकल के कूद पड़े थे बाहर, है ना? जमीन पर आ गए थे खुदक के. हम आएंगे लैंड पे, हम करेंगे लैंड पे राज, ठीक है? तो पहले ऐसे जानवर जिन्होंने लैंड को इन्वेड किया, उस पे आने की हिम्मत रखी, वो थे हमारे एम्फीबियंस, ठीक है बच्चों? बाकी तुम देखो, पहले हम लोग नॉन कॉर्डेट्स भी पढ़े, है ना? और भी चीजें पढ़ी हम लोगों ने. क्या पढ़ा? सारे के सारे पानी में टपके पड़े थे, कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है. फिर फाइनली मेंढक भुदक के बाहर आ गया, समझे? वन ऑफ द एनिमल्स हु आर इंक्लूडेड हियर, ठीक है? कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, है ना? ना मोस्ट ऑफ देम, इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं बच्चों? इनमें देखो, दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं बच्चों. ये क्या है? वही भाई, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा. इसमें अगर टू पेयर ऑफ लिम, तुम्हें एग्जामिनर सीधा नहीं बोलता है, तुम्हारे साथ गुगली खेलता है, कोई बात नहीं, खेलने दो ना, अपन है ना साथ में. बोल दिया, दो पेयर ऑफ लिम्स, आगे के दो, पीछे के दो. टांगे मैं ऐसे करके तो दिखा नहीं सकती, ठीक है? तो आगे के दो ऐसे फील कर लेना सारे के सारे, है ना? चलो, बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिविजिबल है बच्चों, ध्यान रखना. इसमें ना तो नेक है ना टेल है, ठीक है? ना तो नेक है ना टेल है, ओनली हेड एंड ट्रंक में बॉडी डिविजिबल है. क्यों?
लेकिन बच्चों हम बात करते हैं फ्रॉग की, तो टेडपोल का जो लार्वा होता है, टेडपोल सॉरी क्या बोल रही हूँ, टेडपोल का लार्वा, फ्रॉग का जो लार्वा होता है टेडपोल, उसमें पूंछ होती है। अग्री एवरीबडी? हाय फनी विलेजर्स, आई एम सो सॉरी मैं आपका नाम भूल चुकी हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें पूंछ होती है, पुच्छी होती है उसकी छोटी सी, ना क्या होती है, पुच्छी। ठीक है, चलो, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, देखा देखा आ गया, क्यों, क्योंकि फ्रॉग में होती है ना। द एम्फीबियंस, यस, इसके साथ एक और चीज मुझे याद आई बच्चों, क्या वो ये कि भैया यहां पर जो है, यहां होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, बायो पूरी कनेक्टेड है आपकी, है ना, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें किसी का कौन से चैप्टर से कनेक्ट करके यहाँ पूछ ले, हमें आना चाहिए। यहाँ पे होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, समझे? अरे इका है बच्चों, इका है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। भाई टेडपोल जो होता है ना इसका, फ्रॉग का, वो ज्यादा डेवलप्ड होता है, समझे? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं फटाफट से, आ जाओ, जस्ट अ मोमेंट, चलिए आगे बढ़े। अच्छा कृष्णा, हाय कृष्णा। एम्फीबियन स्किन मॉइस्ट होती है, ठीक है, विदाउट स्केल्स होती है, स्केल्स नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, वाई विदाउट स्केल्स बच्चों। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो स्केललेस होती है, ठीक है, क्या होती है बच्चों, स्केललेस होती है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मॉइस्ट सी होती है। मॉइस्ट क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए एक चीज़ कि ना तो इनके अंदर रेस्पायरेटरी सिस्टम प्रॉपर है, समझे, इनमें लंग्स होते हैं डेफिनेटली, बट बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं, इसीलिए भगवान जी ने इनको चमड़ी से ब्रीद करने का भी एक उपाय दे रखा है, गिल्स भी होते हैं इनके पास, है ना, टेडपोल में गिल्स आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो पानी में ही रहता है ना, ये बड़े होते हैं तब तक भी इनके पास गिल्स रहते हैं, अडल्ट में गिल्स भी हैं, लंग्स भी हैं, स्किन से भी रेस्पायर कर रहा है, क्यों, क्योंकि एक कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो प्रॉपरली पूरा दे रखा हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, आईलिड्स हैं इनके पास, है ना, और स्किन मॉइस्ट भी इसीलिए होती है बच्चों, है ना, जब भी स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन होता है उसको क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोलते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन को ब्रांकियल बोलते हैं, ठीक है ना, गिल्स के थ्रू को क्या बोलते हैं, सॉरी लंग्स के थ्रू पल्मोनरी बोलते हैं, नॉट ब्रांकियल, है ना, गिल्स के थ्रू होता है जिसको हम ब्रांकियल बोलते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, चलो आगे बढ़ो। आईज में आईलिड्स होती है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, टिम्पैनम होता है जो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब देखो बच्चों, इनमें होती है क्लोएका, सिंगल ओपनिंग होती है इनके, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, सब कुछ एक ही ओपनिंग से बाहर निकलेगा। अपन ने मैमल्स पढ़ा था अभी कल परसों में, है ना, कल ही पढ़ा था शायद, राइट, तो मैमल्स में हमने क्या पढ़ा था, अपनी तो अलग अलग ओपनिंग है, इनमें नहीं है, क्लोएका ध्यान रखना, ठीक है ना। रेस्पायरेशन देखो गिल्स से भी है, लंग्स पे से भी है और स्किन से भी है। अब हो सकता है तुम्हें एग्जामिनर ये सीधे शब्द ना दे के बोल दे ब्रांकियल पल्मोनरी क्यूटेनियस, क्यूटेनियस स्किन, ब्रांकियल लंग्स, पल्मोनरी सॉरी ब्रांकियल गिल्स, पल्मोनरी लंग्स, याद रहेगा सबको, ठीक है, याद रहेगा सबको, चलो बढ़ लो आगे बढ़ लो, है ना। हार्ट थ्री चेम्बर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें दो ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल होता है बच्चों, कुछ भी डेवलप नहीं है इनमें ढंग से, ना तो रेस्पायरेटरी सिस्टम ढंग से डेवलप्ड, ना सर्कुलेटरी डेवलप्ड, जस्ट आए हैं ना पानी से अभी बाहर, तो बेचारे अभी एडजस्टेड नहीं है। पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एम्फीबियंस हैं, पहले डेवलप्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो डेवलप्ड हैं, ठीक है, दे आर रेप्टाइल्स, प्लीज नोट दिस पार्ट, है ना। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, तभी तो समर स्लीप और विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, हाइबरनेशन एस्टिवेशन पढ़ा था हमने सेशन में, है ना। डायोशियस है, सेक्स सेपरेट है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, लेकिन ठीक है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और इसी के लिए तो इनको पानी की जरूरत पड़ती है, समझे। इनमें एम्फीबियंस की दो मोड ऑफ लाइफ है ना, ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ है, राइट, तो एक तो लैंड पे रहते हैं, पानी में जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए, समझे बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ओवीपेरस है सॉरी इनडायरेक्ट है, ओवीपेरस है अंडे देते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, एग्जाम्पल फ्रॉग। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट माने, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जहां पे किस प्रकार से बच्चों की थ्रू लार्वा एडल्ट कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट क्या होता है, सीधा यंग वन निकल जाता है अंडे से, अंडे से भी निकल सकता है तो सीधे मदर के वूम से भी बाहर आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अंडे से निकल रहा है तो वो
डायरेक्ट नहीं हो सकता. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिर्फ इतना फर्क होता है बच्चे, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लार्वा से फिर अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि बटरफ्लाई में होता है ना, फ्रॉग्स में होता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं. अगर सीधा निकल के अच्छा खासा जीव बन के आ रहा है, अडल्ट जैसा उसका फॉर्म है, छोटू सा है बट वैसा ही फॉर्म है, प्रॉपरली डेवलप होके आ रहा है, तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं. क्लियर है? येस, एब्सोल्युटली ट्रू. कैन वी गो अहेड? अब ये देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल्स हैं, ब्यूफो, राना, राना टिग्रीना, हाइला, थ्री फ्रॉग, सैलेमेंड्रा, इच, थियोपिस. बच्चों बताओ कैसे अजीबो गरीब नाम है भाई साहब, हार्ट अटैक आ जाए ऐसे नामों को देख के. देखो लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया क्या होते हैं बच्चों? बेचारों के हाथ पैर काट दिए होते हैं क्योंकि इन्होंने राजा का हुक्म नहीं माना. बोले तो बिल्कुल लंगड़ा लूला बना दिया बच्चों, है ना? तो इक्थियोपिस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन. ये सारे जो नाम है ना बच्चों यहाँ पे, है ना, होशियारी नहीं झाड़ना बच्चा, सबको लर्न कर लेना, ठीक है? क्योंकि गीत मैम ने तो बोला था, इस पे तो मैम ने मार्क ही नहीं किया था, तो ये तो इंपॉर्टेंट था ही नहीं, है ना? बाद में सबके सब फिर मुझे ब्लेम करोगे. चलो आगे बढ़ो. ये देखो तुम, ये रहा सैलेमेंड्रा, सैलेमेंड्र जो होता है, ठीक है, ये रहा सबसे नटखट, टर्र टर्र करने वाला, है ना बच्चों? हाँ, इसके साथ ही हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि मैंने आपको एक्टिंग भी करके बताई थी बहुत अच्छे से, कि मेंढक जो होता है पानी के समय में, बच्चों इनके अंदर ना बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन भी होता है. तुमने कभी देखा है ऐसे टर्र टर्र करते हैं ये, और ऐसा ये फूलता जाता है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे कुछ 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 होता रहता है यहाँ पे, है ना, देखा होगा ना आपने. क्यों? क्योंकि भाई बक्कोफेरिंजियल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है. मतलब भगवान ने इनको एक भी सिस्टम डेवलप्ड नहीं दिया और ऐसे बोल दिया ये भी ले लो थोड़ा सा, ये भी ले लो थोड़ा सा, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ऐसे करके, ठीक है, तो उससे भी रेस्पायर करते हैं. आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या होती है. जीव देख रहा बेटा, ऐसी जीव लप लपाई है ना, बहुत खुश हो रहा है ये बिल्कुल उसको लपक के, ठीक है. और ये एनीवेज, ये अपन दूसरे सेक्शन में आ गए हैं, ठीक है, ये लो जी, ये तो दूसरे सेक्शन में अपन लोग आ गए. अपन लोग यहाँ पे रेप्टाइल्स पर आ चुके हैं, ठीक है. आपका एम्फीबिया इतना सा ही था, टिंगू सा था, अब अपन लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में. ये देखो, है ना, सॉरी इमेज पहले आ गई है बट कोई बात नहीं, दीज आर रेप्टाइल्स, ठीक है. कैमिलियन, क्रोकोडाइलस, चीलॉन, नाजा, ये देखो, ये रहा आपका चीलॉन, ये रहा नाजा. डेली देखती हूँ, अरे यार मेरा गला खराब है जसबीर, ऐसे मत कर यार. हाँ, हट गया मेरा गला, मेरे गला ठीक नहीं है बच्चों, मेरे घर वालों ने तो मुझे पहचानने से ही मना कर दिया. हाँ हाँ हाँ, तुम वो हो ही नहीं, कौन हो तुम, बोलो बोलो कौन हो तुम, ठीक है, हम वही हैं, हो जाएगा ठीक, ठीक है. तुम ही लोगों की वजह से जो मुझे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ता ना, तुम्हारी वजह से मेरा गला खराब है, ठीक है. सबके सब विक्स की गोली मुझे घर पे भिजवाएंगे यहाँ पे, सबके सब जो है एक एक विक्स की गोली स्पैम कर दो जल्दी से कि मैम ये लो गोली खा लो. आजकल तो सब वर्चुअल चल रहा है बेटा, ठीक है, तुम भी कर दो, ठीक है, चलो. हाँ, तो जसबीर तू आ गया, तू लेट आया, सत श्री अकाल बेटा, आई होप यू गुड, है ना. एक चीज सुन लेना सारे के सारे बच्चों, बच्चों मैमल्स पे मैंने इतना अच्छा लेक्चर लिया था, मैमेलिया पे इतना अच्छा था वो, इतना मस्त फन सेशन था मेंटोर जिंदगी वाला, और उस पे तुम्हारे लाइक्स ही नहीं है. मतलब ऐसा कैसे यार, मतलब हद हो गई है, हद हो गई है, तो तुम्हारे लाइक्स ही नहीं है उस पे. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स में आपको बताना है कि आप कौन कौन से चैप्टर्स वापस चाहते हो, ठीक है, जल्दी जल्दी, समझ रहे हो, तो हम वो देख लेंगे. थैंक यू गेमिंग बडी, हेलो निशु, उसने मुझे कैंडी भेजी है, दैट्स सो स्वीट. रेप्टाइल्स पे आ जाते हैं बच्चों, है ना. रेप्टाइल्स में क्या पढ़े, रेप्टाइल्स में देखो क्या क्या है. रेप्टाइल्स बच्चों ऐसे पहले जीव फर्स्ट लैंड एनिमल्स, फर्स्ट सक्सेसफुल. बच्चों इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स, प्लीज इस चीज को नोट में रखिएगा, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स, ठीक है ना. हाँ जी, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, धन्यवाद, है ना. तो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स एंड फर्स्ट लैंड एनिमल्स वर बी एम्फीबियंस. आगे चलते हैं, इनमें क्या क्या खासियत है आगे देख लेंगे, ठीक है बच्चों. थोड़ी सी मैं यहाँ पे रेप्टाइल्स के बारे में आपको जनरल बात बता देती हूँ, ठीक है. एम्फीबिया में और रेप्टिलिया में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला तो बच्चों ये कि हम लोग जब रेप्टाइल्स पे आते हैं ना, तो ये डेवलप हो चुके होते हैं ज़्यादा, है ना. एम्फीबियंस की स्किन कैसी थी, मॉइस्ट सी थी, क्यों, क्योंकि उनको स्किन से रेस्पायरेशन करना था बच्चों, तो इसलिए थोड़ी सी चिकनी चिकनी सी, मॉइस्ट सी, गीली गीली स्किन होती है, क्योंकि उनकी स्किन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं.
हाईली वैस्कुलर स्किन होती है बच्चों, रेप्टाइल एम्फीबियंस की क्या होती है, हाईली वैस्कुलर. क्यों हाईली वैस्कुलर? मतलब अंदर ना पानी का, सॉरी इसका ब्लड का, पानी नहीं ब्लड का बहुत अच्छा स्रोत है, अंदर बहुत सारी नर्व्स ब्लड वेसल्स होती है ना. क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यार बच्चे मेरी क्लास अभी स्टार्ट हुई है 8 बजे, नोटिफिकेशन भेजे थे मैंने टेलीग्राम पे यार, 8 PM स्टार्टेड, 8 PM, यस थैंक यू. ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनकी जो स्किन होती है ना वो होती है बिल्कुल ड्राई, कॉर्निफाइड, रफ, कोई ग्लैंड नहीं होते, बिल्कुल कोई ग्लैंड नहीं होते. ये वेल अडेप्टेड होते हैं बच्चों यहाँ चलने के लिए, है ना. एम्फीबियंस में लिम्ब्स क्यों आए, अभी तुम देखो ये एम्फीबियंस पाइसीस से ओरिजिनेटेड है ना, पाइसीस से आए ना ये डेवलप होके यहाँ पे. ठीक है, तो पाइसीस से डेवलप होके ये यहाँ पर आ गए. ठीक है, तो पाइसीस में तो क्या था बच्चों, उनको पानी में ऐसे 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 तैरना था, कोई दिक्कत नहीं थी. ठीक है, लिम्ब्स नहीं भी थे एक्चुअल में, तो काम चल गया. ये तो लैंड पे आ गए, अब इनको तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वॉक करना है, तो लिम्ब्स आने थे, है ना. अब सिमिलरली आगे चलते चले गए. कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनमें लिम्ब अभी भी नहीं है, लिम्बलेस. इच्थियोपियस हमने अभी पढ़ा था एग्जाम्पल, जिसपे क्वेश्चन आता है प्लीज नोट कीजिएगा. ठीक है, रेप्टाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं. रेप्टाइल्स पे जब हम आए तो बेटा इनकी स्किन बिल्कुल हार्ड हो गई. ये भी चार लिम्ब्स वाले हैं, टेट्रापोडा है ये. ठीक है, चार लिम्ब्स वाले हैं. इनका जॉ जो होता है ना बेटा, ये जबड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, जॉ इज वेरी स्ट्रांग. इनमें से कुछ तो नॉर्मल होते हैं, सारे कार्निवोरस होते हैं, ये चीज़ ज़रूर है. ठीक है, मैक्सिमम दे आर लाइक मोस्टली यहाँ पे कार्निवोरस ही आते हैं, सांप हो गया, है ना. मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, सारे के सारे नहीं बोल रही, बट मोस्टली जो है वो कार्निवोर होंगे इसमें. ठीक है, आप ये देखिए क्रोकोडाइल देखिए, एलिगेटर्स देखिए. ठीक है, और हमने उसके किसकी बात की थी, कौन था वो, कोमोडो ड्रैगन्स जो है. ठीक है, उनकी बात देखो. सो दे आर कार्निवोरस. इनमें इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, देखो डिटेल में ज़्यादा हम ऑलरेडी अपने सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट से, यस आगे चलते हैं. बट उससे पहले बच्चों, आई होप कि आप लोग कॉम्बैट दे रहे हो, आई होप आप लोग कॉम्बैट दे रहे हो. आर यू गाइज गिविंग कॉम्बैट? अभी इस संडे को भी डेट आई है, 26th को 1 बजे पेपर है आपका कॉम्बैट, है ना. 60 मिनट का पेपर है और सिर्फ 30 questions है उसमें, समझे, ओनली 30 questions 60 minutes, एंड यू स्टैंड अ चांस. वापस बता देती हूँ, 1 crore वर्थ स्कॉलरशिप. आई थिंक अभी एक आधा बच्चे थे जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था दैट दे आर स्कोरिंग वेल इन कॉम्बैट. ओके, सो अगर आप नहीं दे रहे हो कॉम्बैट, येस ओके. हाँ जी बेटा, आई टीच ओनली बायोलॉजी. क्या चाहती है क्या निशु? आई होप यू आर अ, अच्छा आप गर्ल हैं या बॉय हैं? निशु राज, निशु आप बॉय हैं, गर्ल हैं, क्या हैं? हाँ जी बिल्कुल बेटा, ये सब टेस्ट यूट्यूब पे, देखो यूट्यूब पे क्या आपको ये टेस्ट मिलता है, लाइव एंड्रॉयड पे, आपके एंड्रॉयड पे, है ना. क्या करना निशु, अगर आपको टेस्ट देना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है बेटा, यू कैन एनरोल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री. ठीक है, आपको सिर्फ ये कोड लगाना है, GEET10 GEET10, ये जो कोड यहाँ पे फ्लैश हो रहा है ना, वहाँ पे एनरोलमेंट के टाइम पे ना आपसे कोड मांगता है वो GEET10, तो ये कोड अप्लाई कर दोगे तो बस काम बन गया आपका और आपको एंट्री मिल जाएगी. बिना कोड के नहीं मिलती है, अनलॉक नहीं होता है, तो ये कोड यूज कर लेना निशु. ठीक है, अच्छा निशु ठीक है, आ गया समझ में प्रियंका एंड एवरीबडी. तो बच्चों अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है ना कि मेरे पास भी एक पॉजिटिव फीडबैक आता है कि यस यू नो आई वॉज एबल टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट एंड गुड इज दिस फॉर यू. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड यू स्टैंड अ गुड चांस. तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, आप लोग को समझ में आया कि मैंने आपको क्या बताया, एंड सम ऑफ द अदर वे मैं आपको एक अच्छे डायरेक्शन में फोकस कर पाई, समझे. तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते. थैंक यू सो मच, है ना बच्चों. तो 26 तारीख ध्यान रखना और ये कोड भी ध्यान रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एनरोल कर लेना बच्चों. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. एंड यस जो बच्चे यहाँ नए हैं, लिंक टू माय अनअकैडमी प्रोफाइल इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, वो भी फ्री है बच्चों. ठीक है चलो ओके आइए. और अगर कोई चाहता है बायो और फन से पढ़ना तो आप मेरे लाइव सेशंस भी अटेंड कर सकते हो, और बाकी प्लेलिस्ट का भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, यू कैन सी टू इट. सी इसके बारे में मैं बात कर रही थी बच्चों, है ना. एक बार क्विकली ये चीज़ आप सुन लीजिए, बिकॉज बच्चों ये ऑफर खत्म होने वाला है, बस 23 दिन का ही है ये. हाँ आज खत्म है. आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं. चैप्टर्स कितने आएंगे बेटा, वहाँ पे आपको सब डिटेल मिल जाएगी प्रियंका, सब मिल जाएगा अगर आप 11th हो, सब मिल जाएगा. ठीक है, अच्छा
तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो हैं हमारे जो कि हमारे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स नहीं है, ठीक है। इट्स ओके बच्चों, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू कि आप आना चाहते हो या नहीं। मेरा काम है उसके बेनिफिट्स जो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं वो आपको बता देना, ठीक है। और उन बेनिफिट्स में से सबसे तगड़ा बेनिफिट तो यह बेटा कि इन 3 दिन तक, 24 तारीख आई थिंक, यस कल है ना, तो लास्ट है कल, आपको लगभग 25,000 का ऑफ मिल रहा है, विच हैज़ नॉट कम येट। 25,000 रुपीज़ ऑफ यूर गेटिंग आप अगर ये कोड अप्लाई करते हो GEET10, तो पहले सिर्फ 10% ऑफ था, अभी 10+5 हो गया है प्लस और आइकॉनिक दोनों पे। अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और अगर आप 10+10 ले रहे हो, 10+10 आई मीन 12 या उससे ज़्यादा मंथ्स का ले रहे हो, तो 10+10% का डिस्काउंट, डबल, समझ रहे हो। सो ये कोड याद रखेंगे GEET10, GEET10 जो कि मेरा कोड है, ओके। और ले लो यार, अभी बस आई थिंक कल ही का ही लास्ट है एंड नए बैचेस शुरू हो चुके हैं आपके लिए। दिस इज लाइक अ वेरी मच स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, है ना। ओ दैट्स ग्रेट जसबीर, ओ माय गॉड, अरे रे 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 रे, कांग्रेचुलेशंस जसबीर, कांग्रेचुलेशंस, दैट्स रियली अमेजिंग यार, क्या बात है भाई, तूने तो रोक दिया मुझे, मैं तो इतनी अच्छी बात बता रही थी। बच्चों सब लोग जसबीर को कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेट कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 15/15, दैट्स अमेजिंग। मतलब बच्चों देखो, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग ऐसे अपनी चीज़ें मुझे बताते हो ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है यार, हमारी वजह से जो बच्चे हैं दे आर डूइंग गुड, है ना। सो आई वॉन्ट दिस थिंग फ्रॉम एवरीबडी। सी बच्चों, एवरी वन कैन डू इट, है ना। और आपको पता ही है कि अभी सारे सेशंस मैं YT पे ले रही हूँ, सारे YouTube पे ले रही हूँ, सेशंस अटेंड करो, मजे मारो यार, है ना। बाकी आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, है ना। एंड येस ऑफकोर्स, अगर आप प्लस पे आना चाहते हो, ठीक है, तो ये कोड याद रखना बच्चों, बिकॉज दिस हेल्प्स मी एज वेल, है ना। इससे मेरी भी ग्रोथ और प्रोग्रेस काफ़ी कुछ पता चलती है, दैट हाउ आर यू गाइज रिस्पॉन्डिंग एंड इफ यू गाइज आर फॉलोइंग और नॉट, समझे। सो ये कोड याद रखना। अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड फिर बोल रही बच्चों, आखिरी दिन है, बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, ठीक है। तो आप उसको जाओ, और बच्चों 15% एंड 20% इज टू ह्यूज, ओके। सो दिस कोड विल गिव यू दैट, ओके। सो जाओ ज्वाइन कर लो। एंड यस, देखो ये देखो प्रियंका, अगर आप जाते हो ना, एनरोल करते हो, तो आपसे कोड मांगता है। सो GEET10 अप्लाई कर देना बेटा इसमें, है ना, और ये टेस्ट दे दो, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, सी दिस इज, हाँ नहीं 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 बेटा, आई लेट यू नो, ओके, नो प्रॉब्लम प्रियंका, गुड लक, गुड लक, गुड लक। कौन है बच्चों यहाँ पे, निशु बेटा, क्लासेस के टाइमिंग्स आई लेट यू नो, क्लासेस के टाइमिंग्स आई लेट यू नो। ये लो जी क्लासेस के टाइमिंग, इधर देख लो फटाफट से, मंडे, अरे यार मैंने अपने टेलीग्राम पे मेरी पूरी बायो में वही लिखा हुआ है, टेलीग्राम की बायो में, तुम लोग जाके देख लेना ना, टाइमिंग्स लिखे तो हैं, मंडे टू सैटरडे 4 to 5:30 PM, 4 to 5 या 5:30 खिंच जाता है, मंडे वेंसडे फ्राइडे 7 to 8 PM एंड ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे 8 to 9 PM बिकॉज, एंड बच्चों जिसने भी अटेंड करना है वो अटेंड कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग फील करते हैं बायो, वी आर नॉट स्टडिंग लाइक टिपिकल यू नो बायोलॉजिस्ट ना। मेरा एक ही नारा है, वो ये है, सारे बच्चे एकदम मजे से पढ़े, समझे बच्चों। चिल आउट होके आया करो, चिल आउट होके जाया करो, उसके बाद तुम इंग्लिश हिंदी और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिस पे ध्यान देना है, दो बायो यहाँ कंप्लीट करके जाओ। हेलो जी, अरे हाँ हाँ भाई, धन्यवाद, गुड इवनिंग श्रीनिधि, लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल माय डियरेस्ट, हाउ आर यू, चले चलो 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 आगे बढ़ो। रेप्टीलिया पढ़ लेते हैं बच्चों फटाफट से। तो बच्चों ध्यान रखना, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस ऑफर डजेंट कम्स अगेन एंड अगेन, जाओ एनरोल कर लो, द फी इज ऑलरेडी वेरी लेस, आई थिंक 24 मंथ्स के लिए जो प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए है CBSE पर 24,000 ओनली, 25,000, ओके, एंड आई लेट यू नो, एंड दैट्स ऑन नो कॉस्ट GMI, सो डोंट वरी, ठीक है। रेप्टीलिया, रेप्टीलिया का मतलब होता है बच्चों वो क्रिएचर्स जो क्रॉलिंग क्रीपिंग होते हैं, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, कैसा होता है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, गुड, हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, अरे गुड इवनिंग, लॉर्ड्स ऑफ लव आशीर्वाद टपक लो, ठीक है, चलो आगे बढ़े तुम लोग तो भाई साहब, चलो। लैटिन, लैटिन मतलब इसका क्रीप या क्रॉल करना, क्या क्या होता है बच्चों इनमें, ये देखो, इनकी एक तो हैवी होती है बहुत ज़्यादा बॉडी, बहुत हैवी होती है बच्चों, इनके पंजे बड़े स्ट्रांग होते हैं,
खतरनाक ग्रिप होती है, इनका जबड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई थी ये बात कि भाई जो सांप होते हैं, अजगर होते हैं, पाइथन जो होते हैं ना अजगर, तो वो कैसे इतना बड़ा मुंह फाड़ लेता है अपना, और ऐसे कभी कभी तो अपन भी अजगर बन जाते हैं ना बच्चों, जब भी हम लोग देखते हैं ना बड़ा सा पिज्जा टेस्टी सा या फिर कुछ ऐसा बर्गर, पूरा एक ही बार में खाना है आज तो, है ना जी। हाँ तो हम सब भी बच्चों टाइम टाइम पे अजगर बन जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। तो कभी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कमेंट किया हो अजगर कहीं का, तो इसका मतलब आप हैं, मुबारक हो, ठीक है, दैट्स ह्यूमन बच्चों, ठीक है। चलो गॉड ब्लेस यू श्रीनिधि, ठीक है। तो बेटा देखो अजगरों की बात चल रही, तो आओ अपन आगे और थोड़े मजे मार लेते हैं ना, तो ऐसे हंसते खेलते अपन बायो फिनिश कर देते, ठीक है बच्चों। अब देखो कि इनके पेट में ये इतने बड़े बड़े जानवर, भाई साहब भैंसा निगल रहे हैं कभी कभी कभी, क्या बोलते हैं, हाँ मगरमच्छ को भी खा जाते हैं, मतलब बताओ सब कुछ खा रहे हैं बच्चों, जो मर्जी पड़ रहा है, वो जो रास्ते में पड़ रहा है सब खाते जा रहे हैं। जैसे अपन को भूख लगती है अपन करते हैं ये भी खा लिया, ये भी चेप लिया, ये भी चेप लिया, ये भी चर लिया, हम खाना नहीं बोलते, हम चरना बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, है ना, ठीक है बच्चों। तो यही होता है, हाँ जी। तो ऐसा ही फन अगर आपको चाहिए ना तो कल 7 बजे आ जाना, बहुत मजे आएंगे बच्चों, ठीक है, ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी फन, ओके। और शेयर कर देना उस वीडियो को जिससे बहुत सारे बच्चे, दे मस्ट नो हाउ अमेजिंग दिस गीत क्लैन इज, है ना बच्चों, ठीक है। चलो, ज्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इससे पहले मैं आपको एक बात बता रही थी कि इनमें क्या होता है बच्चों, कि इनके रिब्स जो होती है ना ऐसे हवा में लटकी हुई होती है, स्टर्नम तो होता नहीं है इनमें, स्टर्नम इज एबसेंट, ध्यान रखना, लेक्चर में बताया है मैंने, स्टर्नम एबसेंट है, ऐसे फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, तो क्या होती है आराम से खुल जाती हैं, ऐसे पूरा का पूरा जैसे ही खाना आता है ना, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आता है अंदर, ऐसे खुल जाती हैं और पूरा का पूरा समा जाता है अंदर, ठीक है बच्चों, क्लियर है, चलो, है ना। नाउ Their body is covered by dry and cornified skin, epidermal scales or scutes, जिसको हम लोग बोलते हैं scales, scutes, सब कुछ जो भी बोलना सब बोल सकते हो, ठीक है। They do not have external ear openings. Tympanum represents ear. देखो इनकी external ear openings यानी कि ear पिन्ना इनमें नहीं होता है बच्चों, ठीक है, एनसीआरटी के अकॉर्डिंग। दो पेयर ऑफ लिम्स, आगे के दो फोर लिम्स, पीछे के दो हाइंड लिम्स, ठीक है, टेट्रापोडा है ये भी, सब के सब टेट्रापोडा में आएगा। आगे हम चिड़िया पढ़ेंगे वो भी टेट्रापोडा, मेमेलिया तो है ही टेट्रापोडा, ठीक है। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है लेकिन 4 चैम्बर्ड होता है बच्चों क्रोकोडाइल्स में, ध्यान रखिएगा, जहां जहां भी बायो में आप एक्सेप्शंस देखते हैं वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत तगड़ी होती है बच्चों, टर्न करके दे देगा पर क्वेश्चन में जरूर आएगा, ठीक है, हाँ जी। चलिए, रक्षा इज फ्रॉम नेपाल, ओके चलो। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं बच्चों, अपनी शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, एंड इफ यू रिमेम्बर तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ये होती है ना लिजर्ड्स, बाहर जाके कैसे धूप सेकती हैं सबसे पहले सुबह सुबह, है ना, सारे के सारे धूप में जाके बैठते हैं जिससे इनका बॉडी का टेम्परेचर ठीक रह सके और ये वर्क कर सके, है ना। इनमें क्या होती है बच्चों, पीरियोडिक मोल्टिंग भी होती है, क्या होती है, शेड देयर स्किन, जिसको हम लोग मोल्टिंग कहते हैं, है ना, मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट हैं, डायोशियस हैं, फर्टिलाइजेशन, यहाँ इंटरनल आ गया, ध्यान रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होना इज अ डेवलप्ड फीचर, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ डेवलप्ड फीचर ओवर ए सेक्सुअल, क्लियर है जी, है ना बेटा। हर नेम इज प्रियंका, रक्षा उसका नाम प्रियंका है, ये क्या क्या हो क्या रहा है आज, मतलब मैं तुम्हारी बातें इधर से उधर कर रही हूँ, चुपचाप बैठ जाओ पंचायती लोग, चलो इधर, ठीक है। ओवी पैरस हैं ये, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, बच्चों ये ज्यादातर अंडे देते हैं, ठीक है, ये भी ओवी पैरस हैं, अंडे देते हैं, ध्यान रखना, इन सारी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे सबके सब, ओके। एग्जाम्पल्स क्या है ये रहे, अब ये मैं नहीं बोलने वाली, सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ जाएगा, इनफैक्ट तुम्हें है ना ऐसे भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, देखना तुम देखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच करो मैच करो, ठीक है। तो आपको बोल दिया जाएगा इसको अपने जुआलॉजिकल नेम से मैच करो ये कौन सा है, तो इसलिए इन सबको लर्न रखना है, ठीक है जी, आगे बढ़ लो। चलो अब आ जाते हैं फटाफट अपन लोग उनके ऊपर जो हवा में उड़ते हैं बेटा, इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, अपन भी हवा में उड़ते हैं बहुत, ठीक है, बहुत हवा में उड़ते हैं अपन बेटा, जिसको देखो आजकल वही हवा में है, ठीक है, चिड़िया तो कम दिखती है, इंसान ज़्यादा दिखता है, ठीक है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच, समझे, पेंगुइन्स भी होती है, पर पेंगुइन क्या होती है कोई मुझे बताएगा, व्हाट आर पेंगुइन्स, यार लैग आ रहा है क्या, पेंगुइन क्या होती है, बर्ड होती है, मैमल होती है, अरे बोलो पेंगुइन क्या होता है, यार लैग आ रहा है क्या वीडियो में,
बच्चों इज इट लैगिंग? अरे बोलो बेटा, ऐसे कंफ्यूजिंग चीजें देंगे हम आपको बीच बीच में। अरे क्या होता है, पेंगुइन बर्ड है या मैमल है? भाई कोई दिक्कत है क्या वीडियो में? इट्स ओके बच्चों, इज देयर, मुझे मेरे वीडियो में यहां लैग दिख रहा है। नो 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 बेटा, बर्ड होगा ना है? क्या होगा बेटा? एव्स में है ये, एव्स में है ये, बर्ड है, बर्ड है, बर्ड है। अरे बेटा मैमल थोड़ी है वो। अटक गए, अटक गए, अटक गए। चलो कोई बात नहीं, ऐसी अटका करो तुम, मेरे को बड़ा मजा आता है, सुकून मिलता है बेटा, है ना, सुकून मिलता है। कभी कभी क्या है, परेशान करने में बहुत मजा आता है, ठीक है, क्योंकि तुम भी मुझे बहुत परेशान करते हो। चलो बढ़वा दो। दे पजेस बीक, इनमें जॉज बीक में मॉडिफाई हो जाते हैं। इनमें अगर जॉज बीक में मॉडिफाई हो गए तो मैम फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? भाई प्रॉब्लम ये हो सकती है, दांत नहीं है बीक में, तो मैम फिर तो ये खाना निकलते हैं। हाँ बिल्कुल निकलते हैं। तो मैम फिर ये कैसे इतना सारा, इतना, इतने बड़े से चीज़ को कितना एसिड डिसॉल्व करेगा? वो तो हो ही नहीं सकता डाइजेशन, है ना। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर मैम, अरे तो फिर क्या, इनके एलिमेंट्री कैनाल में एक क्रश करने के लिए एक होता है ना स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग गिजार्ड बोलते हैं बच्चों, GIZZAR, गिजर्ड। गिजर्ड जो होता है वो इसको क्रश करता है इस तरीके से खाने को, इसलिए निकल जाते हैं, समझे। फिर वो गिजर्ड क्रश करके आराम से इनका डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। ये भी टेट्रापॉड है, लेकिन इनके आगे वाले जो लिम्स होते हैं वो फेदर्स में मॉडिफाई होते हैं। अच्छा एक बहुत जरूरी सवाल, ठीक है, यस एब्सोल्युटली ट्रू, सही बताया, सही बताया, एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ कि इनमें जो अच्छा एक क्वेश्चन मैंने क्लास के टाइम पे भी बताया था, रेप्टाइल्स जो होते हैं, एव्स जो होते हैं, एव्स, एव्स की एंसेस्ट्री रेप्टाइल्स से है, ये इनके किस फीचर से हमें पता चलता है बच्चों? बहुत होशियारी झाड़ रहे थे, अब आंसर करो जरा, है पंचायती जनता। अरे बताओ, तुम पीछे हो जाओ भाई, मत दो भाई। चलो आंसर करो, कौन बताता है कि इनकी एंसेस्ट्री कहाँ है बच्चों? अरे बोलो ना यार, मेरे पास चैट लेट आ रही है क्या? हद हो गई बच्चों, अब तो हद हो गई वाकई में, अब मैं सुसाइड कर लूंगी सच में, दिस इज टू मच, तुम लोग बहुत परेशान कर रहे हो। ये नहीं था क्या? हाइंड लिम्स पे स्केल्स होते हैं बच्चों, हाइंड लिम्स पे स्केल्स होते हैं, पीछे के जो उनके पंजे होते हैं ना बड़े बड़े से, उस पे स्केल्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो तुम, टाइले मार रही जो हमारी है, ये देखो यहाँ पे स्केल्स होते हैं। तुमने कभी ये देखो यहाँ पे जो ये क्या है, ये क्या है, वल्चर है या ईगल है? स्केली लिम्स होते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ याद आया बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कई बार, समझे, ये बहुत जरूरी है ना, तो इसको ध्यान दो तुम लोग। दूसरा अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, इसमें क्या क्या बताती है एनसीईआरटी हमारी, फोर लिम्स इनके विंग्स में मॉडिफाइड है ना। हाइंड लिम्स में स्केल्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड है, वॉकिंग, स्विमिंग, पर्चिंग, अलग अलग फीचर्स होते हैं ना बच्चों, अलग अलग काम करते हैं उससे, ठीक है। स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स, देखो रेप्टाइल्स में भी नहीं होते हैं ग्लैंड्स, है ना, ड्राई होती है, ठीक है। नाउ एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, ऑयल ग्लैंड होता है बच्चों, है प्रीन ग्लैंड्स पढ़े बच्चों अपन लोगों ने, पढ़े थे क्या, बोलो जल्दी से, प्रीन प्रीन करके पढ़ा था क्या कुछ अपन ने, बोल जल्दी से बोलो, है पढ़े थे ना, जो इनके फेदर्स को सॉफ्ट रखता है, वैक्सी कोटिंग जैसा लगता है, और पानी आता है अगर तो उसको हटा देता है, ठीक है। एंडोस्केलेटन पूरी तरीके से ऑसिफाइड है, बोनी है, है ना, और न्यूमैटिक बोन्स होती है बच्चों, एयर कैविटीज होती हैं। और इसी के साथ मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो ये
अगर इनकी बोन्स बीच में से हॉलो है तो रेड बोन मैरो है नहीं, तो आरबीसी कहाँ बन रहे हैं? वो बनते हैं बच्चों लिवर में, रिमेंबर, लिवर में बनते हैं इनके आरबीसीज। याद आया बच्चों, कुछ याद आया है ना? हाँ ठीक है। अरे जियोन जोंगकुक जो है, अगली बार से याद रखूंगी कि ये प्रियंका है। प्रियंका, आर यू दैट प्रियंका जो हमारे क्लास 12th में है? क्या आप वो वाली प्रियंका जो मेरे स्पेशल क्लासेस में आते हो? आर यू दैट? या आप क्लास 11th वाली कोई दूसरी ही प्रियंका हो? देयर्स वन प्रियंका जो मेरे स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, समझ के समझ, मतलब आप क्लास 11th के स्टूडेंट है। ओके देखो, इनमें होते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप क्या होता है बच्चों? इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अलग से चैम्बर्स होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। ठीक है, क्रॉप का क्या काम होता है? तुमने पेलिकन्स वगैरह देखे? फाइंडिंग नीमो में मैंने एग्जांपल दिया था ना, आके मेरी चोंच में बैठ जाओ, और वो नीमो के सामने अपनी बीक खोल देता है, और उसकी जो वो डोरी होती है, डोरी है ना, डोरी जो होती है कॉडफिश होती है, तो उसके यहाँ पे जो स्पेस होता है ना बेटा, इधर है ना, कुछ कुछ बर्ड्स में बीक में इधर हो जाता है, कुछ कुछ में थोड़ा नीचे हो जाता है। सो क्रॉप इज अ प्लेस जहाँ पे वो लोग फूड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है ना, तो वो होता है। अब बच्चों एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ ना, इसमें से तो क्वेश्चन आपका बनता ही है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ एनिमल किंगडम में मैंने बोला था हेर फेर नहीं होती, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, सो नॉट टू वरी, अक्टूबर में ही आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे, सो दैट विल हेल्प यू आउट मोर। ठीक है, चलो, कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे आ चुका है। कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड बर्ड्स में भी होता है, मैमल्स में, ठीक है। वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्मस एनिमल्स हैं, यानी कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। इनफैक्ट बच्चों इसी के साथ एक पॉइंट जो मैंने बताया था वो ये कि एनिमल किंगडम में जिसका बॉडी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वो एव्स होते हैं, रिमेंबर है ना। चलो, रेस्पायरेशन किससे होता है? ये देखो, ये तो बर्ड्स के बारे में, ये देखो सारे, ठीक है, तो एनीवेज आप इसको समझा लोगे, समझ लोगे खुद से। लंग्स से होता है, लंग्स में बच्चों एयर सैक्स भी अटैच्ड होते हैं, अलग से स्ट्रक्चर्स होते हैं, एयर सैक्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जो इनको बायंसी प्रोवाइड करते हैं, हल्का बनाते हैं, है ना, तभी तो हवा में उड़ेंगे। बोन्स भी हल्का बना रही हैं, न्यूमैटिक बोन्स हैं, वो भी उसको बायंसी प्रोवाइड कर रही है ना। उसके अलावा एयर सैक्स भी हैं इसमें, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा सर, पूरा हो जाएगा, हो तो गया। बायोमोलिक्यूल्स हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अलावा एक आपका मॉर्फोलॉजी तो बचा, बाकी सब खत्म, ठीक है। चलो, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पायरेशन, इनके फंक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, लेकिन अगर आपको पता हो, मैंने कहा था बच्चों कि मेल्स में कोपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है ना, ठीक है, सीधा क्या करता है वो, फीमेल के ऊपर माउंट करके सीधा गैमिट्स को डिसोशिएट कर देता है, कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। ओविपेरस है, ये भी डेवलपमेंट यहाँ भी डायरेक्ट है, और एग्जाम्पल सारे के सारे आप लोग याद रखेंगे, यही क्वेश्चन आएंगे। एंड यस, यूनिट वन चैप्टर 1 and 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द लिविंग वर्ल्ड, जेट 30 क्वेश्चंस, ओके। इस सैटरडे को मेंटी क्विज है, 8 बजे, 8 बजे मेंटी क्विज है, टॉप 30 क्वेश्चंस का है ना, जो एक आपको फैसिलिटेशन देगा बच्चों, विल हेल्प यू टू यू नो वापस से रिवाइज दोस टॉपिक्स। सो सब लोग रिवीजन करके आएंगे चैप्टर 1 and 2, लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, पढ़ाएंगे ना बेटा, पर अभी तो टर्म वन तो करें अपन, टर्म वन का तो फिनिश करें, सब पढ़ेंगे, क्यों टेंशन ले रहा है तू, सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फाइनली आ जाते हैं बच्चों अपन लोग मैमेलिया पर। मैमेलिया, हम मैमल्स जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था बहुत अच्छे से, है ना, याद है तुम लोग को, कितने मजे किए थे। सबसे ज्यादा नॉटिएस्ट क्रिएचर्स ये होते हैं, है ना बच्चों, कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह मिल जाते हैं तुम्हें। क्यों? बॉडी का टेम्परेचर इतने अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं कि एकदम ठंड भरे इलाकों में, जैसे हमारे पोलर बियर्स होते हैं, वहां भी रह लेते हैं, और ठंडे पानी में, है ना, ठीक है, वहां पे भी घुस जाते हैं, हर जगह रह लेते हैं, गर्मी में भी रह लेते हैं, कैमल्स हैं, अपन लोग हैं, है ना बच्चों, ठीक है, ओके। सो दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, दे आर कॉस्मोपॉलिटन, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ कुछ उड़ पाते हैं, जैसे कि टेरोपस हमने एग्जाम्पल देखा था, क्या था वो, बैट है ना, ठीक है, बैट उड़ भी पाता है। उसके अलावा कुछ कुछ पानी में भी रह पाते हैं, जैसे कि वेल्स मैमल्स होती हैं, डॉल्फिन्स मैमल्स होती हैं, सीधा यंग वन को बर्थ देते हैं। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसकी वजह से ये मैमल कहलाए, दे आर योर मैमरी ग्लैंड्स, ओके बच्चा, ठीक है। मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड, जिससे ये अपने बच्चों को फीड कर पाते हैं। मेल्स में ये एब्सेंट होता है। बच्चा देखो, एकदम ऐसा नहीं फील आ रहा कि अपन लोग कटघरे में खड़े हैं, हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कटघरे वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, है ना,
जेल में अपन सबके साथ कर्म कर लिए अपन लोगों ने बुरे, जेल पहुंच गए बच्चों, ठीक है। है ना? हाँ चलो। बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग रनिंग क्लाइंबिंग ब्रोइंग। ये देखो दो पेयर ऑफ लिम्ब्स होते हैं बच्चों, किसी किसी में फुली फंक्शनल है, किसी किसी में क्या होता है, दो ऐसे होते हैं। देखो कैंगरू, देखो पेरेंटल केयर बड़ी वेल मार्क्ड होती है बच्चों में, है ना। तो माँ जो है अपनी बेबीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है ना। कैंगरू में तो देखो आगे पाउच में ही बिठा के रखती है हमेशा, कितने प्यारे प्यारे होते हैं ना, इधर निकाल के रख लेती है, वहाँ डेवलप होते हैं, बड़े क्यूट होते हैं बच्चों। बाय गॉड कभी कभी तो मन करता है एक कंगारू का बच्चा है ऐसे निकाल लो, लेकिन बच्चों कैंगरू जो होती है ना, मम्मा कैंगरू या पापा कैंगरू, तो उनकी जो एक लात अगर तुमको पड़ जाए गलती से, तो बेटा तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए काफी है। इनकी जो इनके इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं ना, दे आर वेरी पावरफुल। अगर ये किसी शेर को लात मार दे ना बच्चों, तो मर सकता है, तुम्हें पता है इतना पावरफुल थ्रो होता है इनका, समझ रहे हो। ऐसी टांगे हमने अपने भाई बहनों को बहुत मांग दी मारी ना बचपन में, हम लोग जब लड़ाई करते थे, रिमेंबर दोस डेज, है एक दूसरे को लाते बरसा रहे हैं, हाथ पैर मार रहे, कितना मजा आता था बच्चों में ना, अब नहीं करते ये सब, ठीक है। मैंने कैंगरू ओरिजिनल लाइफ में देखा, बट बेटा यू नो आई एम जस्ट प्लानिंग टू गो ऑस्ट्रेलिया एंड देन वहां देखेंगे अमीर लोग। चलो पढ़ लो आगे, पढ़ लो। हाय आदि, हेलो जी बच्चों, कैसे हो तुम लोग? चलो, अरे क्या हो रही है, चलो 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 आगे पढ़ो। अरे बाबा रे पढ़ लो। अब देखो उनकी स्किन में क्या होता है, द स्किन ऑफ, देख रहे हो बच्चों ये चमगादड़ देख रहे हो, ये बेटा इसने मेरे को बहुत डराया, बहुत डराया। एक बार हमारे घर में ऊपर, लाइक इन आर प्रीवियस वाला घर, तो इतनी बड़ी चमगादड़ थी, उसके इतने बड़े बड़े पर थे, फैला के घुस गई थी बच्चों, वो इतनी बड़ी थी, और कूलर पे जाके चिपक गई थी, ठीक है। ऊपर जो कूलर था एक ऊपर फ्लोर पे, तो उस पर जाके ना ऐसे चिपक गई थी, इतनी बड़ी थी वो, एंड इट वॉज सो डैम स्कैरी भाई साहब। बट थैंक गॉड दैट आई वॉज इन माई हॉस्टल एंड घर वालों ने झेला था, मैं बच गई थी बच्चों, मैं बच गई थी, ठीक है। चलो बड़े आगे। चलो देखो इनके पास क्या होता है बच्चों, इनके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी, इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, समझे, है ना। एक्सटर्नल ईयर बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, पिन्ना होते हैं, और मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, इसमें होती हैं हमारी तीन ईयर बोन्स, ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, ठीक है। एवरीबॉडी रिमेंबर, डू यू गाइज रिमेंबर और नॉट, पंचायती कर रहे हो तुम लोग, बोलो ना यार, मैं यहाँ पे गला फाड़ रही हूँ, तुम्हें पता है मेरा गला कितना खराब है अभी इस समय पर, ऊपर से दिस वेरी इची यार। अच्छा ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आपको पता हो तो मैंने बोला था, हीट्रोडोंट होते हैं क्या हम लोग, हीट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, इजंट इट, हीट्रोडोंट, हीटरोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट। बेटा जेल में यही कटघरे में ही रह जाओगे तुम, ठीक है, पढ़ लो चुपचाप सारे के सारे, है ना। ओके चलो। देन हार्ट फोर चैम्बर्ड है, होम्योथर्मस है, बड़ी मजे से जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। अपने साथ होता है क्या बच्चों, ऐसा नहीं होता ना कि सर्दी आ गई और अपन बर्फ बन गए, गर्मी आ गई और अपन जल गए, है ना, नहीं होता राइट, बिकॉज अपने पास बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है बेटा, अपना बॉडी इज सो शानदार, है ना। रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू, सेक्सेस सेपरेट, दे आर डायोशियस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। विवीपेरस सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं, एक्सेप्ट फॉर सम जो कि अंडे भी देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। ये सारे एग्जाम्पल मैं बिल्कुल मार्कर से ऐसे पूरा का पूरा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को याद रखूंगी कि मैंने तुम लोग को बोल दिया था कि इसको मार्क कर लेना, जिससे कि आगे जाके तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगा सको कि आपने इस पे येलो येलो डर्टी फेलो किया ही नहीं था, ठीक है। तो हमें पता था कि ये आएगा नहीं, समझे, ठीक है। फोर टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है, आगे बच्चों। अब सारे बच्चे ये जो टेबल है ना बच्चों, इसको बिल्कुल बाय बाय हार्ट करेंगे। ये देखो हार्ट बना दिया मैंने मोटा, भाई साहब बहुत गंदा बना है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बाय हार्ट, जेल में दो दिल मिल गए, ये क्या
बेइज्जती हो गई, बेइज्जती। ये लो बच्चों, बाय हार्ट करेंगे इसको सब लोग। इसमें सब कुछ आपको शॉर्ट में गिवन है बेटा, है ना। इसमें से क्वेश्चन 100% गारंटीड, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पक्का गारंटीड, यस। फर्टिलाइजेशन वो होता है प्रियंका, देखो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज में डेवलपमेंट होना। जैसे क्या होता है, मेल हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, मेल और फीमेल गैमिट्स जब मिल जाते हैं, उसके बाद मिलने के बाद उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं उनमें चेंज आते हैं, जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं ना एक, जैसे अपने अंदर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है ना, तो वो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, समझ रहे हो। तो दैट इज फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। हेलो, गुड इवनिंग, क्लियर है। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, इट इज वन ऑफ द प्रोसेसेस इन रिप्रोडक्शन, ओके, वन ऑफ द रिजल्ट, इट इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, समझे, वो होता है, क्लियर है। इस टेबल को सब लोग बाय हार्ट कर लेंगे, मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं बोल रही हूँ बिकॉज हम सब ये पढ़ चुके हैं। इसमें से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, दैट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सीलेंट्रेटा निडेरिया इज एब्सेंट, यस एब्सेंट, इनकम्प्लीट, ठीक है। और उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या होते हैं, देखो नीडोब्लास्ट, कोम प्लेट्स लोकोमोशन के लिए, फ्लैट बॉडी, सकर्स। बच्चों ये टेबल आपके लिए एक संजीवनी बूटी है, ठीक है, इसको आपने बाय हार्ट करना ही है, ओके। चलिए आगे बढ़े, समरी तो हम लोग नहीं देख रहे हैं बिकॉज दिस इज ऑलरेडी डन। एंड यस बच्चों, जो लोग भी नहीं है ना, जो लोग भी यहाँ पे नए हैं मेरे सेशन में, आपको इसीलिए बता रही थी मैं कि ये जो 3 days है, लेट मी जस्ट कम टू दैट पार्ट, आई डोंट नो इफ इट्स योर, अच्छा अभी मैंने, अच्छा वो स्लाइड यहाँ पे नहीं है, बट यस, सिर्फ 3 days और बचते हैं जिसमें कल है, तो 18 to 24 दिस ऑफर वॉज गोइंग ऑन। अभी भी अगर आप चाहो तो प्राइजेज आर वेरी मच नॉमिनल, कैन यू सी, इट्स जस्ट दिस मच, 25,000 फॉर योर 24 months, एंड ये पर मंथ का चार्ज है 1,042। बच्चों इससे ज़्यादा तो हमारे नॉर्मल ट्यूशन आ जाते हैं जिसमें आपको इस प्लेटफॉर्म पे सारे टॉप एडुकेटर्स मिल जाते हैं, ठीक है। यू गेट स्ट्रक्चर्ड स्टडी फॉर्मेट, योर PDF फॉर्मेट में नोट्स, एवरीथिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप, वीकली टेस्ट, सब कुछ आपके लिए वेल प्लान्ड है यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो। 3+1 का सिस्टम चलता है यहाँ, जिसमें 1 class इज योर डाउट एंड 3 आर योर प्लान्ड सेशंस, वेल प्लान्ड सेशंस। अलग अलग बैच कोर्सेज हैं, लाइव टेस्ट सीरीजेज हैं आपके लिए, सो दैट इट गिव्स यू द बेस्ट फील एवर, है ना। एंड येस, लाइव क्विजेज, डेली MCQs, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, सो इट्स लाइक मच मोर स्ट्रक्चर्ड स्टडी बच्चों, ठीक है। YT पे इट्स लाइक बहुत डिसोसिएशन है ना, तो आप यहाँ जरूर जा सकते हो। रेफरल कोड में आपको GEET10 दे देना है। अभी वाई एम आई फोकसिंग मच ऑन योर इज बच्चों, बिकॉज इस कोड पे अभी आपको 10 नहीं ज्यादा ऑफ मिल रहा है, 9 months के लिए इफ यू आर ऑप्टिंग, या 12 months के लिए इफ यू आर ऑप्टिंग, 12 months और उससे ज्यादा के लिए 20% ऑफ है इस समय पर, इस प्राइस पे, कैन यू सी, है ना। और एटलीस्ट 1 साल का भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, मान लो 12 months का इफ यू टेकिंग सब्सक्रिप्शन, इट्स जस्ट 15,000, उसमें भी तुम्हें ऑफ मिल रहा है 20% बच्चों, सो इट्स लाइक नथिंग, ओके। तो एक्सट्रीमली अफोर्डेबल, GEET10 यूज कर लेना और आप अच्छे से डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है, है ना। अगर आइकॉनिक पे आते हो तो वो और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा है, इट्स लाइक मोर ऑफ अ पर्सनलाइज थिंग। एंड देन उसके अलावा पेरेंट कनेक्ट, आपके यू नो एक पर्सनल मेंटर आपको हमेशा गाइडेंस के लिए मिलते हैं, जो कि आपको पर्सनली गाइड कर रहे हैं, ओके, तो उसका आप ध्यान रखना। अगेन दिस इज वेरी मच नॉमिनल, ये मौका बार बार नहीं आएगा बच्चा, ठीक है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को, कुछ कुछ के मेरे पास मैसेज भी आए थे टेलीग्राम पे कि मैम हाउ टू ऑफ फॉर इट, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू मोर डिस्क्राइबली। GEET10 आपको यूज करना है for getting 20% discount and 15% discount कल तक के बस, सोच लो अच्छे से। This is on no cost EMI, पहली बात तो no cost EMI है, ऐसा कुछ नहीं है, आप monthly payment कर सकते हो, ये देखो सिर्फ 2,000 per month, and this is for the entire year 24, at least 12 months या 9 months के लिए आप opt करते हो, तो बेटा just 28,000 में, 23,000, ये तो actual price है, उस पर 20% and 15% off करके देख लेना। So this is again a great opportunity, go for it, ठीक है बच्चों। लर्नर्स आप, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, उस पर बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट आपके लिए अवेलेबल है ना। देखो आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, लॉग इन करना, अपना गोल सेलेक्ट करना, मेन्यू बटन पे जाके स्पेशल करना, और इन्वाइट कोड में आप जी
EET10 डाल सकते हो, चाहे कॉम्बैट दे रहे हो, चाहे कोई भी क्विज दे रहे हो, स्पेशल क्लासेस में जा रहे हो, एनी प्लेस. दिस इज वैलिड फॉर ऑल द कोर्सेज, नॉट ओनली जस्ट साइंस, मैथ्स और एनीथिंग, बायो, हर जगह वैलिड है. ठीक है बच्चों, और सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. इट्स नॉट जस्ट बायो दैट यू विल बी एक्सेस टू बायो, नहीं, सारे के सारे जितने भी हैं वहाँ पे, है ना. यस, स्पेशल क्लासेस अटेंड किया करो. अगर आपको डाउट्स आते हैं तो अनअकैडमी इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू, है ना. आस्क अ डाउट ऑप्शन पे जा सकते हो आप, आपके ऐप, आपके पास ऐप होना चाहिए लर्नर्स ऐप. ठीक है, पिक्चर सेलेक्ट करनी है गैलरी से, उसको क्रॉप कर देना, स्पेसिफिक क्वेश्चन को हाईलाइट कर देना, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना और भेज देना. टीम इज वर्किंग फॉर यू गाइज ऑल द टाइम, नॉट टू वरी. इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस विल बी डिलीवर्ड टू यू, दिस इज आवर गारंटी. ओके, टेलीग्राम चैनल इफ यू हैवंट जॉइंड, सारे लिंक्स मेरे क्लासेस के, सब कुछ अपडेट्स, आगे क्या क्या शानदार चीज़ें आने वाली, सब कुछ यहाँ आ जाता है. सो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और इस कोड को याद रखना बच्चों, ठीक है, GEET10. थैंक यू सो मच मिनियंस फॉर योर प्रेशियस टाइम. इट्स ऑलवेज फन हैविंग यू गाइज हियर. ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप नए हो, सिंस ये चैनल नया है, सो यू कैन शेयर द वीडियोज एज वेल, दैट यू नो दिस इज हाउ फन वी हैव ऑन दिस चैनल्स, है ना बच्चों. सो ऑनलाइन एजुकेशन इज लाइक टू मच फन व्हेन इट्स विद गीत मैम, राइट, अग्री. एंड हिट द बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लाइक एंड शेयर, सो वील क्रैक इट, राइट. ठीक है, क्लियर है जी. योर वेलकम प्रियंका, योर वेलकम. सो ध्यान रखिएगा गीत 10, एंड यस, आप लोग ध्यान रखो और जाओ, जाके सबके सब अब सो जाओ. ठीक है, हम चले अभी. ओके, यू डू टेक केयर, एंड यस ऑफकोर्स कल मिलते हैं अपन, तो रोज ही मिलेंगे प्रियंका, नॉट टू वरी. ओके, बाय, गुड नाइट, लोड्स ऑफ लव टू यू.